नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी जीके गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रेलवे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट, ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को कवर किया गया जो रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, शरीर के जोड़े में गठिया रोग निम्नलिखित में किसके जमाव से होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल के कारण जो है शरीर के जोड़े में गठिया रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग, यानी कि मलेरिया रोग जो है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लीहा। दोस्तों, मलेरिया रोग से हमारे शरीर का प्लीहा प्रभावित होता है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है मलेरिया रोग जो है किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया जो है मादा एरोफ्रिज नामक मच्छर के काटने से होता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया? तो मलेरिया परजीवी का खोज किया था रोलांड रोस नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लीहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो दोस्तों, प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन ए सही आंसर है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला सवाल है, एक आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? एक आदर्श गैस का ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? तो मोलों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन है, यानी कि दूसरा स्थान पर कौन है? तो तांबा। दोस्तों, तांबा जो है इसका ये दूसरा सबसे अच्छा चालक है, जबकि चांदी प्रथम सबसे अच्छा चालक है। तो इस सारे क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, बेवकूफ़ों का सोना आयरन फेराइड्स को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन फेराइड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण मिनी माता रोग होता है? तो दोस्तों, शरीर में पारा के उपस्थिति के कारण, ए पारा, ऑप्शन ए में जो दिया गया है पारा के उपस्थिति के कारण मिनी माता रोग होता है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि शरीर में इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण जो है शरीर में इटाई रोग होता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे शरीर में तांबा के अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, तांबा के अधिकता से बिल्सन रोग होता है। बिल्सन, ध्यान दीजिएगा, यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि तांबा के अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो बिल्सन रोग होता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर की उपस्थिति के यानी शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण मिनी माता रोग होता है? तो पारा सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। तो यहाँ पे प्लेटिनम होगा, ध्यान दीजिएगा, प्लेटिनम सही आंसर है, और ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1400 ग्राम। 1350 ग्राम भी देता है कहीं कहीं, तो वो भी सही है। 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक सही आंसर होता है। 1400 ग्राम तक सही आंसर होगा। लुसेंट में 1400 ग्राम दिया है, लेकिन कहीं कहीं 1350 भी देता है ऑप्शन में। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, यदि 1400 ग्राम ऑप्शन में ना रहे तो 1350 ग्राम आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? तो दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सी लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ ऑप्शन डी होना चाहिए था। ऑप्शन डी सही आंसर है, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। और किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी को। अगला सवाल है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लीवर जो है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है।
और मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़े, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो अग्नाशय, अग्नाशय या पैनक्रियाज, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। दोस्तों केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका बना होता है, शुष्क बर्फ किसका बना होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ किसका बना होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो दोस्तों बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन पूछा जाता है एग्जाम में, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 3300 यानी देता है, कहीं कहीं 3500 देता है, तो 3300 से 3500 के बीच में आप आंसर देंगे। तो ऐसे लुसेंट में 3500 दिया है, तो 3500 सही आंसर होगा, हम लोग लुसेंट को यानी मान्यता देंगे, क्योंकि लुसेंट में लगभग क्वेश्चन सही दिया गया है, तो लुसेंट में 3500 दिया है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है, तो दोस्तों टंगस्टन का संकेत जो होता है वो W होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का, ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण वर्षा के बूंदे गोलाकार होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा के जो बूंदे होते हैं गोलाकार होता है। अगला सवाल है, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है, तो दोस्तों लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ता है ऊपर, वह किसके कारण चढ़ता है, तो केशिक तत्व के कारण, ऑप्शन ए सही आंसर है, केशिक तत्व के कारण। अगला सवाल है, तड़ित चालक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित होता है, परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है वह किस पे आधारित होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पे। और एग्जाम में पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पे आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है, जबकि परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। अगला सवाल है, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो दोस्तों वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से जो ऑप्शन ए में दिया गया हाइड्रोमीटर, तो दोस्तों हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है, डेंसिटी मापा जाता है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और ऑप्शन डी में दिया गया फाइदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। अगला सवाल है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्थानिक। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग भिन्न भिन्न हो अलग या अलग अलग हो, वह क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्थानिक कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका परमाणु संख्या समान होगा उसे समस्थानिक कहा जाता है। चलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों तारपीन का तेल जो है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है, चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो मैग्नीशियम। और आयरन जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो आयरन, जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के कारण जो है पत्ती का रंग लाल नारंगी और पीला होता है, जबकि पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है, तो पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीनॉइड सही आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल। अगला सवाल है, लिटमस पत्र का वास्तविक रंग कैसा होता है, या लिटमस का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों लिटमस पत्र का वास्तविक रंग बैगनी होता है। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग नीला बोलते हैं लेकिन नीला नहीं होता है, लिटमस पत्र का जो है वास्तविक रंग बैगनी होता है।
और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। और एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटमस पत्र जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों लिटमस पत्र जो है शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है -40 डिग्री। दोस्तों -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। अगला सवाल है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, सर्वाधिक ठोस में होता है, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो ठोस में। यदि ठोस में भी पूछा जाए कि ठोस में सर्वाधिक किस में होता है, तो ठोस में सर्वाधिक इस्पात में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बातचीत में कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। साधारण बातचीत में कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 से 40। कहीं कहीं 30 से 40 भी देता है, तो वो भी सही है। 30 से 40 डेसिबल वो भी सही है यहाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी सही आंसर है, 35 से 40 डेसिबल। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वायुमंडल नहीं होता तो फिर पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काला। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काला दिखाई देता। अगला सवाल है हिपेरिन एक प्रकार का क्या है। तो दोस्तों हिपेरिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, और हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, तो या किसके द्वारा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हिपेरिन जो है हिपेरिन जो एक प्रोटीन है, इसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर किसके द्वारा होता है, तो यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों हिपेरिन जो है ये हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा प्रोटीन है या कौन सा पदार्थ है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर खून नहीं जमता है, रक्त नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण ही हमारे शरीर के अंदर जो है रक्त नहीं जमता है। और हिपेरिन एक प्रकार का क्या है, तो प्रोटीन सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 55 से 60%। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, ऐसा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूँगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो दोस्तों प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है रक्त का, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो दूसरा है। मेरे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। तो प्लाज्मा का, यहाँ जो प्लाज्मा दिया गया है, ये प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है रक्त के कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55 से 60% भाग। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य किरणें का खोज किसने किया। तो दोस्तों दृश्य किरणें का खोज किसने किया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। न्यूटन ने दृश्य किरणें का खोज किया था, और दृश्य किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि दृश्य किरणें कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका खोज किसने किया, तो न्यूटन ने किया। और दृश्य किरणें के कारण ही हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल के बहाव की मात्रा क्या है, यानी कि जल के बहाव को किस में मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्यूसेक। दोस्तों जल के जो बहाव होता है वो क्यूसेक में मापा जाता है। अगला सवाल है चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है बल्ब किस कांच का बना होता है। तो दोस्तों बल्ब जो है फिलेंट कांच का बना होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर है फिलेंट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, जबकि बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो बुल्फिया है, और संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफलेसिया, ऑप्शन डी सही आंसर है। और अगला सवाल है कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन कहलाता है, और यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया हिस्टोलॉजी। तो दोस्तों हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों का अध्ययन कहलाता है,
और ये सारे क्वेश्चन जितने भी है ऑप्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोशिका के अध्ययन का क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए सेंसर है साइटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरना क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना व्यक्त करता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। और बैरोमीटर का जो पारा है वो एकाएक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त करता है, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने का संभावना व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरना क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु की आधी। किसी वस्तु के पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु के आधी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना मत भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.nkact.com, और वेबसाइट खोलने के बाद आप हमारे वेबसाइट के फॉलो लिंक पे जाकर क्लिक करके वहाँ फॉलो कर लेंगे, ताकि जो नए नए अपडेट होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये सारी बात के अपने दिमाग में रखते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वेबसाइट को भी फॉलो कर लें। तो वेबसाइट का नाम मैं लिख देता हूँ www.nkact.com हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा com। तो ये रहा मेरा वेबसाइट का नाम, आप गूगल में जाके सर्च करेंगे आपको वेबसाइट खुल जाएगा। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।